कार्यक्रम तारे आगते में देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 142 दिनों से लगातार लोगों का रोना जारी था, खासतौर पे अपने देश में। काम नहीं है, बिजनेस बंद हो गया, बर्बाद हो गए, धन नहीं आ रहा, धन नहीं टिक रहा और नौकर चाकर नहीं टिक रहे। प्रिय दर्शकों, 142 दिन शनि देव के वक्री के चल रहे थे, जो 30 अप्रैल को शनिदेव वक्री हुआ था। बहुत से लोगों के तो काम ही बेचारों के बंद हो गए और बहुत प्रॉब्लम्स में लोग थे इस टाइम से। तो अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 142 दिन के बाद, 18 सितंबर को सुबह की 11:48 पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन किन की किस्मत जागेगी, किन की किस्मत चमकेगी, किन का व्यापार चलेगा, किन को क्या क्या अच्छा मिलने वाला है। फिलहाल 18 सितंबर शनिदेव मार्गी होंगे, उसके बाद 24 जनवरी 2020 को ये धनु राशि से मकर राशि में परिवर्तित हो जाएंगे और खास तौर पर वृश्चिक राशि वालों की जिनकी साठ सती चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। आज बात करेंगे सबसे पहले मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन वालों के लिए शनि देव उनकी कुंडली के नौवें भाव में आएंगे, तो नौवें भाव में इनके भाग्य भाव में मार्गी होने के बाद हैं ही वहां पे बैठे हुए हैं, तो मार्गी होंगे जब तो किस्मत उनकी अच्छी हो जाएगी। वृष लगन वाले आठवें घर में उनके शनिदेव बैठे हैं, तो जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो उनको बीमारियों से राहत मिलेगी, अच्छी लाइफ होगी उनकी, तंदुरुस्त होंगे। मिथुन लगन वाले सातवें भाव में शनिदेव वक्री चल रहे थे और सातवें भाव में मार्गी होने के बाद पारिवारिक मतभेद, पति पत्नी के आपस में कला क्लेश खत्म हो जाएंगे। जिनके भी बिजनेस के पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी दूर हो जाएंगी और डेली इनकम हाउस है ये, तो लोगों की रोजाना की इनकम भी बढ़ने के चांसेस बन जाएंगे। फिर है कर्क लगन वाले, छठे भाव में शनि बैठे हैं, वक्री चल रहे थे, मार्गी होते ही रोग, जो लोगों के रोग, चोट, दुर्घटना, शत्रु, कर्जा, इससे छुटकारा मिलने के चांसेस होंगे और बुरी आदतों से भी बचने के चांसेस बन जाएंगे। सिंह लगन वाले, उनके लिए पांचवें घर में शनिदेव जो बैठे हुए हैं मार्गी हो जाएंगे, तो प्रेम, नौकरी, संतान, सुख, इन सभी चीजों के साथ संबंधित ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे। कन्या लगन वाले, आपके चौथे भाव में शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे वक्री से, तो मां से संबंधित प्रॉब्लम्स, फिर गाड़ी, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाएं, ये सभी परेशानियां जो इनसे आ रही थी वो ठीक हो जाएंगी। तुला लगन वाले, आपके तीसरे भाव में शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों से जितने भी झगड़े थे खत्म हो जाएंगे, जिनका हौसला खत्म हो रहा था अब उनका कामों में हौसला बढ़ेगा। फिर वृश्चिक लगन वाले, आपके दूसरे भाव में यानी कि धन स्थान में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए धन आना शुरू हो जाएगा, बोली आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और गले की प्रॉब्लम ठीक होगी, आवाज अच्छी निकलनी शुरू हो जाएगी। फिर है धनु, धनु लगन वाले, अब धनु राशि में ही, ये धनु लगन में ही शनिदेव बैठे हैं पहले से ही, तो वहां पर इनके मार्गी होने के बाद धनु वाले पूरी तरह से तरक्की पाएंगे और हर तरफ से उनकी जय जयकार होगी, पैसा भी अच्छा आएगा, सेहत भी उनकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। फिर मकर लगन वाले, आपके बारहवें भाव में शनिदेव वक्री से मार्गी होते ही आपके खर्चे बढ़ाने शुरू कर देंगे। जो लोग शकीन है तो अयाशी के ऊपर उनका पैसा खर्च हो सकता है, विदेश के ऊपर खर्च हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिए। कुंभ लगन वाले, ग्यारहवें भाव में आपके शनिदेव जैसे ही मार्गी हो रहे हैं तो अधूरी इच्छाएं आपकी जितनी भी थी वो अब पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, लाभ ज्यादा होगा और अच्छे दिन आपके शुरू हो जाएंगे। मीन लगन वाले, आखिर में इनकी बात करते हैं, आपके दसवें भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो आपके बॉस के साथ बढ़िया रहेगा और काम जो लोग अपना करते हैं उनका अब काम आगे से बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। एक बात दोस्तों आपको बता दें कि शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है, अगर आप जिंदगी में बुरे कर्म करते हो और दूसरों का हक मारते हो और झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, नशों को करते हो और किसी को बहुत कष्ट पहुंचाते हो, तो कभी भी शनिदेव आपको छोड़ेंगे नहीं, ये तो उनको देखना है। इसलिए आपसे मेरी यही विनती है कि आप कर्म अच्छे करो, बुरे ना करो, जिससे
निश्चित रूप में शनिदेव आपको आशीर्वाद जरूर दें। फिलहाल हमारे पास भी आपको देने के लिए कुछ है कि आप जब भी हमारे पास आए, नवग्रह दिव्य वनस्पति दल, ये हमने खुद तैयार किया है। जितने भी बीज हम खाते हैं, फूल फल खाते हैं, उनके बीजों को धोकर सुखाकर हम हर महीने में 150 प्लांट्स तैयार करते हैं। बहुत चमत्कारी प्लांट है, जैसे जैसे ये ग्रो होगा आपकी जिंदगी भी बढ़िया होगी। जब भी आए ये अपना गिफ्ट लेते जाइए। और फिर एक हमारी नजर दोष तंत्र नाशक वास्तु दोष निवारक धुनी आती है, ये है हमारी, लुधियाना में 5 स्टोर्स पर उपलब्ध है। किसी भी एक स्टोर से सिर्फ 500 का पैकेट होता है। ये खरीदने पर आपको 1100 रुपए की कंसल्टेशन का कूपन बिल्कुल फ्री मिलेगा, तो आप हमारे पास बेझिझक आकर फिर पूछ सकेंगे। हमारी संस्था एशियन क्लब इंटरनेशनल, उसकी तरफ से हर महीने में हमारा एक 12 लेडीज के लिए राशन वितरण होता है। और पौधे लगाते हैं हम अलग अलग जगह पे, एक सिंगिंग का कार्यक्रम होता है जिसमें बच्चे अपने टैलेंट को बताते हैं, और फिर एक निःशुल्क हवन होता है जो इस बार हम 21 तारीख को करने जा रहे हैं। जो भाग लेना चाहते हैं स्वागत है। हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ के आप ये तमाम जानकारियों के अपडेट्स लगातार हासिल कर सकते हैं। बाकी हमसे मिलना है तो स्वागत है, टाइम लेके आ जाइए। जो लोग आ नहीं सकते या हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के फीस भी पे नहीं कर सकते, तो उन लोगों को यही बता दें कि एक सवाल लिखिए, अपना जन्म कुंडली की फोटो कॉपी कीजिए, हमारे एड्रेस पे भेज दीजिए, 5 रुपए की टिकट लगा के, इंडिया से या अब्रॉड से जितने की लगेगी लगा के, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी पे हम उसका जवाब देंगे, निःशुल्क, नो चार्जेस। फिर जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे बड़ा दर्जा माँ का होता है। जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छू के जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों को बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियां मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तकदीर बहुत बढ़िया होगी आपकी। बेटियों को कोख में मत मारिएगा और नशों से परहेज करिएगा, प्यार की बोली बोलिएगा, फिर आपके सारे सितारे बहुत बढ़िया होंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।